हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीजर फुलफिल डिजायर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स क्लर्क हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है, जिसका आप सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। अब सबसे पहले तो जिन भी मेरे दोस्तों का ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने आधा सफ़र तय कर लिया है, अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। और हाँ, एक बात और, जिन मेरे दोस्तों का ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया वो हताश ना हो सकता है कि वो क्लर्क नहीं ऑफिसर बनने वाले हों। और ऐसा नहीं भी अगर होता है तो आप तो अपनी तैयारी जारी रखें। अगर इस बार कोई कमी रह गई है तो अगली बार के लिए और अच्छे से आप तैयारी करें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उन सभी मेरे दोस्तों की जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब सेकेंड स्टेप में आपका CPT होगा, मीन्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए अब ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ है। मेरी आपको सलाह यह है कि अब आप टाइपिंग प्रैक्टिस रेगुलर कर दें। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, दिन में सिर्फ आपको 2 घंटे इसकी तैयारी करनी होगी। 2 घंटे हर रोज़ की तैयारी से आपकी स्पीड 35 से 40 वर्ड 1 महीने के अंदर आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आप ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं। इस टेस्ट में एक और भी चीज़ होती है, जो कि हम कहेंगे कि एक्सेल पे एक टेबल बनाने के लिए दी जाती है, एक्सेल कह सकते हैं या फिर इसको हम सेपरेट शीट भी बोल सकते हैं। आपसे छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक्सेल के बारे में, जिनका आपको जवाब देना होगा। ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आप एक टेबल बनाइए और आपको डेटा दिया जाएगा, उसके बेस पे आप टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद आपको बॉर्डर लगाने के लिए कहा जा सकता है, उसका डेटा का सम करने के लिए कहा जा सकता है, उसको बोल्ड करने के लिए बोला जा सकता है, करेंसी फॉर्मेट चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए। तो इस तरह के सवाल उसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें टाइपिंग करनी चाहिए, और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो कि बताती हैं कि आपको यहाँ से टाइप करना चाहिए, ये करेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको महीने भर में आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसके लिए आप नोटपैड यूज कीजिए। नोटपैड में first 3 days आप अपने कीबोर्ड की एक एक लाइन उठाइए। फर्स्ट में आप होम रो उठाएंगे ASDF और सेमीकोलम LKJ वाली, बीच वाली जो हमारी रो होती है, उसकी तैयारी आप कीजिए फर्स्ट डे के लिए। और सभी के सभी जो भी लेटर्स हैं कीज़ के ऊपर, वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए कि किस उंगली के नीचे हमारे कौन से लेटर्स आते हैं। उसके बाद में ऊपर और नीचे वाली दोनों लाइनें 2 दिन के अंदर आप मैनेज कर लेंगे, मतलब 3 दिन में आप अपना पूरा जो कीबोर्ड है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा लेटर किस उंगली के नीचे आता है। अब देखते हैं कि कौन सा लेटर किस उंगली के नीचे आता है और आपको उंगलियों की पोजीशन कैसे रखनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो फिंगर पोजीशन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि सभी जो कीज हैं वो आपकी पूरे दोनों हाथों के एक्सेस में हो, ठीक है। तो ये आपकी राइट पोजीशन होगी। सबसे पहले आप अपनी लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की A पर रखेंगे, उसके बाद में जो रिंग फिंगर है वो S पर रखेंगे, मिडल फिंगर D पर रखेंगे, और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारी F पर रहेगी। हमारा जो थंब है वो फ्री रहता है स्पेस दबाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट साइड में जब हम रखेंगे तो उसमें सेमी कॉलम पे हमारा रिंग फिंगर लिटिल फिंगर रहेगा, उसके बाद में L पर हमारा रिंग फिंगर रहेगा, K पर मिडल फिंगर रहेगा, और J पर हमारा इंडेक्स फिंगर रहेगा। HB हमारा ये जो है ये इंडेक्स फिंगर ही कवर करता है, और दूसरी साइड में हमारा जी जो है वो इंडेक्स फिंगर कवर करता है, ठीक है। और स्पेस के लिए हम किसी भी हाथ का थंब यूज कर सकते हैं जो हमें आसान लगे, आसानी से हमारे से हो जाए, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हमारी ये रो क्लियर हो जाए, जो मेन रो है बीच वाली रो, इसके बाद में यहाँ से हम ऊपर वाली रो पे जाएंगे। ऊपर वाली रो QWE और RT ये हमारा लेफ्ट हैंड कवर करता है, और यहाँ से POIUY ये हमारा राइट हैंड कवर करता है, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे वाली रो भी कवर करेंगे, ZXCVB लेफ्ट हैंड से
और इधर से हमारे पास में है ये स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन, ठीक है, ये हमारा इससे हो जाएगा राइट हैंड से। जब तीन दिन में हमारा ये कंप्लीट जो एक तरीके से कीबोर्ड के ऊपर की जो है उन पे हमें पता हो जाए कि हाँ भाई हमारी उंगलियां सही पहुंचने लग गई हैं लेटर्स के ऊपर, कीज़ के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में, एक और चीज़ होती है जो कि मैटर करती है, आपका सिटिंग पोस्चर। जब आप टाइप करते हैं तो उस समय आप लेजी होके ना बैठें, बिल्कुल अलर्ट मूड में रहें, और ये हमारा रॉन्ग पोस्चर है, इस तरीके से हमें नहीं बैठना चाहिए टाइप करते समय, हमें ये हमारा जो नीचे दिया गया है ये राइट पोस्चर है, तो इस पोजीशन के अंदर हमें बैठ कर टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, जब हमें सब कुछ पता हो जाएगा कि कौन सा लेटर किस उंगली के नीचे है, तो हम नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड के अंदर हम क्या करेंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, ये हमारे पास में एक सेंटेंस है जिसमें कि, और ये एक स्पेशल सेंटेंस है, क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें सभी के सभी 26 अल्फाबेट्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं, और इसको हम टाइप करेंगे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको टाइप करते रहेंगे, और इसकी प्रैक्टिस हमें दो दिन के लिए करनी है, दो दिन हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन 15-20 वर्ड्स पर मिनट यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक अपना पेपर लेंगे और पेपर लेके उसके ऊपर अपनी किसी भी इंग्लिश की बुक से, ग्रामर बुक जो होती है हमारी, उससे ऐसे हमें मिल जाते हैं देखने के लिए, जो एसेज हैं एसेज से आप 400 वर्ड्स अप्रॉक्स 400 वर्ड्स आप अपने पेज पर उतारेंगे, और उसको फिर आप अपने सिस्टम के ऊपर रख के साइड में, और उसी से आप टाइपिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऑनलाइन वेबसाइट्स का या फिर टाइपिंग ट्यूटर का इनका सहारा लिया तो फिर वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है, और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें बहुत भारी डिफ़िकल्टी आती है उस समय, ठीक है। तो हमें तैयारी किससे करनी है, नोटपैड से करनी है, और वर्ड काउंट करने के लिए अब एक दिक्कत और भी आ जाती है, हम सोचते हैं कि हमने नोटपैड में टाइप तो कर लिया लेकिन कितने वर्ड हैं, कितनी क्या स्पीड है, ये चीज़ कैसे पता लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा टाइप किया हुआ मैटर है, जैसे कि हमने अभी ये टाइप किया है, इसको हम कंट्रोल ए दबा के हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और उसके बाद में हम वर्ड ओपन करेंगे, ठीक है, वर्ड के अंदर हम एक नई फाइल ले लेते हैं, और यहाँ से नई फाइल लेने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, यहाँ पे ये नीचे दिखा रहा है स्टेटस बार में कि हमने 20 वर्ड्स टाइप किए हैं। टाइमिंग आप अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं या फिर अपने सिस्टम पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल में सेट करेंगे तो आपके पास में एक्यूरेट रहेगा, आप अपना 10 मिनट्स का टाइम लगाएं और 10 मिनट्स का टाइम के हिसाब से अपनी टाइपिंग करें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको 10 मिनट्स ही दिए जाते हैं टाइपिंग करने के लिए, वहाँ पे आपको 300 वर्ड्स टाइप करने होते हैं विद एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी की बात भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि आपको 5% तक छूट होती है, अगर आप 95% एक्यूरेसी के साथ टाइप करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ वो हो सकता है कि उसमें दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो आपको 95% एक्यूरेसी तो बना के रखनी ही है, और साथ में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो एटलीस्ट आप 35 करके जाएं एग्ज़ाम में, अगर 35 की स्पीड आपकी है तो वहाँ पे आपकी अगर 10-20 मिस्टेक्स आ भी जाती हैं तो वो उसके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों कि किस प्रकार से हम टाइपिंग करेंगे, और टाइपिंग के बाद में एक चीज़ और है इसमें जो मैंने बताया था अभी कि एक्सेल के बारे में पूछा जाता है। एक्सेल जो है, एक्सेल में आपको एक टेबल का डेटा दे दिया जाएगा कि आप भाई इस डेटा से टेबल बनाइए, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे नेम दे दिया, फादर नेम दे दिया, सब्जेक्ट्स दे दिए और उनके मार्क्स
और एवरेज आपको निकालना हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आप टेबल बनाएंगे एक्सेल शीट पे। टेबल बनाने के बाद में आपसे कहा जा सकता है कि आप इनका सम कीजिए, ठीक है, मार्क्स का। तो जैसे कि इस राम जो एक बंदा है, इसका फादर नेम हरिओम है, और इसके हिंदी में मार्क्स 89 हैं, इंग्लिश में 64 हैं, मैथ्स में 87 हैं। इसका हमें टोटल करना है मार्क्स का, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे पास में ये फॉर्मूला आ चुका है, इज इक्वल टू सम, ठीक है, फिर सी टू से हमें जाना है कोलन लगा के यहाँ पे ई टू तक। ये हमारा सी टू है, ये हमारा ई टू है, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। ये हमने सेम इस कॉलम के इस सेल के अंदर टाइप किया। इस सेल में टाइप करने के बाद में जैसे हम एंटर करेंगे, हमारा ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसका अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एवरेज उसके बाद सी टू टू ई टू, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे तो इसका हमारे पास एवरेज आ जाता है। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला जिसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई फादर नेम जो है इसको आप बोल्ड करके दिखाइए, सारा का सारा जो भी डेटा है फादर नेम में उसको आप बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो आप बोल्ड कैसे करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कंट्रोल ए से, या फिर इस प्रकार से आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। इटैलिक करने के लिए पूछ दिया तो आप इसको इटैलिक कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में हो सकता है कि आपको इसका कलर चेंज करने के लिए बोल दिया जाए कि फादर्स नेम जो है इसका आप कलर चेंज करके और रेड कर दीजिए, ब्लैक से रेड, ठीक है। तो ये हम इसको रेड कर देंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद में जो भी इफेक्ट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसको जो टेबल है इसको सिलेक्ट कीजिए पहले, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आपसे कहा जाए कि इसको आपको थिक बॉर्डर करना है चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका थिक बॉर्डर आप कर सकते हैं, ठीक। और कई बार पूछ लिया जाता है कि आप इसको जो ये डेसिमल में आ रखा है आपका डेटा, इसको आप टू डेसिमल तक ही कर दें, इसको इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेट टू डेसिमल पे सेट करें। तो यहाँ से आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको यहाँ से ये आपका टू डेसिमल तक, जब आप इसको दो बार क्लिक करेंगे तो टू डेसिमल तक आपका डेटा सेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है कि ये आपसे परसेंटेज के बारे में पूछ लें कि भाई आप परसेंटेज में डेटा सेट कीजिए। तो यहाँ से जैसे कि ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं, इनको परसेंटेज में अगर हम करेंगे सेट तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेसिक से सवाल, आसान से सवाल एक्सेल के बारे में पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ये है, इसको आपसे बोल दिया जाए कि आप इसको सेंटर अलाइन करें, तो ये आपका सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता। आप मेनली तो आप ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें आपको पाँच सवाल 10 नंबर के होते हैं जिसमें से आपको केवल 4 मार्क्स लेने होते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सभी कर लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो टाइपिंग है वो ज़्यादा मेन है, और वहाँ पर ही बच्चे रुक जाते हैं, वहीं से वो फेलियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा, इसके बारे में आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। हर रोज़ आपको 2 घंटे देने हैं टाइपिंग के लिए, इससे ज़्यादा समय आप ना दें। 15 मिनट या 10 मिनट का आप अपना वो बनाएं, और उसको करने के बाद 5 से 10 मिनट का ही आप रेस्ट लें, उस सिस्टम के आगे ना बैठें, थोड़ा बाहर घूमें, उसके बाद फिर से दोबारा से अपने सिस्टम पे जाके और 10 से 15 मिनट की टाइपिंग का टाइम सेट करके आप करें, ठीक है। ऐसा आपको हर रोज़ 2 घंटे करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 से 40 वर्ड पर मिनट डेफिनेटली हो जाएगी, और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इफ़ यू फाइंड this information beneficial, please subscribe our YouTube channel Deezer Fulfilled Desires. It's completely free, and if you subscribe our channel you will be able to receive notifications of our new videos. Thank you guys, see you in our next video. Till then, bye bye.